वेलकम बैक वंस अगेन। डेटा लिंक OSI की दूसरी लेयर, क्योंकि इसको जल्द से जल्द हम खत्म करते हैं, तो आप डेटा लिंक को समझ लीजिए। गाइस, डेटा लिंक के अंदर दो सब लेयर्स हैं, नंबर वन मैक लेयर और एक LLC। सबसे पहले मैक एड्रेस समझते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोलर है सिंपल, जिसे हम हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये 48-bit एड्रेस है और यूनिक है। सबसे अच्छी बात, ये यूनिक है। गाइस, यूनिक से मुराद जैसे हम इंसान आपस में आइडेंटिटी रखते हैं सेपरेटली, हमारी फिंगरप्रिंट्स या आंखों को स्कैन करके, यानी हर एक इंसान की शनाख्त अलग है, सेम ऐसे हर डिवाइस की जो पहचान होती है वो उसके मैक एड्रेस पर है, जो कि यूनिक है। यानी जो मैक एड्रेस किसी एक कंप्यूटर को दुनिया में दे दिया गया, उस मैक एड्रेस पर कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं होता। तो इसी वजह से मैक एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस है, जो कि यूनिक होता है और 48-bit एड्रेस है। अच्छा, ये बनाने वाली कंपनी, बांटने वाली कंपनी IEEE है। IEEE एक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट है, जहां पर क्या होता है, रिसर्च होती है या स्टैंडर्ड्स के कवानीन बनते हैं जो कि पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो 48-bit एड्रेस जो कि फिजिकल एड्रेस होता है, ये हर उस डिवाइस पे होता है जिसका ताल्लुक नेटवर्क से हो, चाहे वो फोन हो या चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई भी ऐसी डिवाइस वाईफाई की या हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर लगते हैं उनमें, उन तमाम के अंदर ये मैक एड्रेस पाया जाता है। आई होप गाइज आपको मैक एड्रेस की बात समझ आ गई। और ये जो मैक एड्रेस है, जो 48-bit एड्रेस है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये 12 नंबर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है एक मैक एड्रेस। 12 नंबर इन अ सेंस 1, 2, 3 ऐसे ही बिल्कुल 12, लेकिन वो तमाम के तमाम नंबर हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। वो कोई काउंटिंग या कोई वैसे डिजिट नहीं है, वो सारे के सारे हेक्साडेसिमल नंबर हैं। अब हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? वैसे तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इस बात से वाकिफ होंगे, लेकिन फिलहाल हम पढ़ लेते हैं कि 0 से लेकर F तक हेक्साडेसिमल नंबर कहलाए जाते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक नॉर्मल और A से लेकर F तक, तो 0 to F हेक्साडेसिमल नंबर, जिसका हर नंबर का साइज 4 बिट्स के बराबर है। क्या जी? 4 बिट्स के बराबर है हर नंबर का साइज। अब 12 हेक्साडेसिमल नंबर है, तो 12 × 4 या 4 × 12 आंसर क्या आएगा? 48 आएगा। तो अब आप करके देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ मैक एड्रेस की बात करें, जो कि 48-bit एड्रेस है, थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। ये कोड भी हमें आधा आधा मिलता है। हाँ, आधा आधा क्यों मिलता है भाई? आधा आधा इस सेंस में मिलता है कि पहला जो कोड होता है 24-bit का, वो कहलाता है वेंडर कोड, जो कि IEEE देता है। लेट्स सपोज गाइज, IEEE ने 00000, यानी 6 डिजिट्स का कोड बनाया और किसी एक, फर्ज कीजिए डेल कंप्यूटर कंपनी को दे दिया कि आप इस मैक एड्रेस के ऊपर डिवाइसेस बनाइए, तो अब वो मैक एड्रेस दुनिया में किसी दूसरी कंपनी को नहीं दिया जाएगा। और डेल की कंप्यूटर की कंपनी क्या करेंगी, उस 000 वाली जो 6 डिजिट्स के नंबर हैं, उसके आगे से वेंडर असाइन यानी अपना नंबर लगाएंगे, जो जो वो कंप्यूटर बनाते जाएंगे, और वो कोड पूरा एक यूनिक कोड बनता जाएगा, जो कि हर कंप्यूटर का एक सेपरेट कोड होगा। ठीक है, और एक मैक एड्रेस के ऊपर 17 मिलियन डिवाइसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, जो IEEE असाइन करवाता है। तो आई होप गाइज आपको यहां तक पता चल गया कि मैक एड्रेस के जो एड्रेसेस हैं वो बहुत यूनिक हैं एंड बहुत लार्जेस्ट पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो गाइस, जब हम मैक एड्रेस समझ गए तो अब हमें आसानी होगी कि हम LLC लेयर को समझ सकें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। LLC लेयर क्या करती है? सिंपल, नेटवर्क जो है वो क्या करता है? IP। अब तक हमने एक बात जानी थी कि हमें किसी दूसरे कंप्यूटर से अगर रابطہ रखना है, तो हम अपने कंप्यूटर से बैठ के उस कंप्यूटर की IP इस्तेमाल करते हुए वहां तक जाते हैं या वहां तक कोई भी डेटा भेजते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? उस IP से ताल्लुक बनाता है मैक एड्रेस, यानी उसको प्रॉपर पहचान, जान पहचान बनाने के लिए पहले IP यानी घर का पता लेके तो जाता है। IP क्या? एक किस्म का घर का एड्रेस, होम एड्रेस है, वो लेके तो जाता है। लेकिन मैक एड्रेस से क्या होता है, उनके दरमियान एक टर्म्स बन जाते हैं, एक ताल्लुक बन जाता है। तो IP जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, OSI जो कि मैक है वो डेटा लिंक पर काम कर रहा है। तो इनका आपस में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। तो जब इन दोनों का रिलेशन बनता है, IP से मैक या मैक से IP बात होती है, तो LLC लेयर काम करना शुरू करती है। गाइस, LLC क्या करता है? आर्प कैशे डिजाइन करता है, या रिवर्स आर्प कैशे होते हैं। अब ये क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एक स्विच है जिसके पास 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं डिफरेंट IP से, और हर कंप्यूटर का कोई ना कोई मैक एड्रेस है। यहां एग्जांपल के तौर पे हमने मैक एड्रेस 12 हेक्साडेसिमल नंबर का नहीं लिया, बल्कि AAA, AAA, CCC करके ले लिया। कंफ्यूज ना होइएगा, समझने की कोशिश करनी है। अब हुआ क्या, जब 10.1 का कंप्यूटर 10.3 के कंप्यूटर से बात करना चाहेगा, तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी स्विच के पास, जो कि ईको का एक पैकेट बनता है, और स्विच कर देगा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब बिल्कुल अनाउंसमेंट करना,
हाँ भाई 10.1 का कंप्यूटर बात करना चाहता है 10.3 के कंप्यूटर से, 10.3 वाला हाजिर हो। राइट गाइज, अब 10.3 जो होगा वो खुद बता देगा जी मैं तो यहाँ कनेक्टेड हूँ, या 10. वाला कंप्यूटर बता देगा जी 10.2 हूँ मैं 10.3 नहीं हूँ। तो इससे क्या होगा, हर कंप्यूटर के पास आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे वो बातचीत करते रहेंगे, हर कंप्यूटर के पास आर्प केशे यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बनता जाएगा और बार बार उन्हें अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें खुद से मालूम हो जाएगा कि फला फला आईपी का मैक एड्रेस क्या था। ऑलराइट गाइस, इससे हमें आइडिया हो जाएगा। और ऐसे ही क्या होगा, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर हम किसी क्लासरूम में हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर फर्स्ट टाइम आए तो वो स्टूडेंट्स के उनके नाम से तो नहीं जानते होंगे, बल्कि स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर्स के हिसाब से जानते हों। ठीक है, तो क्या होगा, किसी स्टूडेंट ने अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को कोई डेटा या कोई फाइल वगैरह देनी हो क्लासरूम में, तो वो टीचर को क्या बोलेंगे, सर हमें फाइल देनी किसी और को, लेट्स सपोज सैम ने फाइल भेजनी है जॉन को, तो सर क्या करेंगे, सर अनाउंसमेंट करेंगे भाई जॉन कौन है वो फाइल ले ले। और बाद में जो टीचर क्लास में होंगे उन्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ सैम है और कहाँ जॉन। तो ये जो सैम और जॉन यानी जो फिजिकल है हमारे नेम होते हैं, वैसे मैक एड्रेस हमारा काम कर रहा होता है जो कि हमारे आर्प कैशे में सेव होता है। राइट गाइज, और इसी को अगर हम रिवर्स में कर दें तो उसमें क्या होगा, हम चाहें तो मैक एड्रेस से भी आपस में कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वही बात है आईपी याद रखना तो फिर चलें एक आसान काम है, 12-12 हेक्साडेसिमल नंबर से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोनों सूरत हाल आपको पता तो हों। और अगर आप ये आर्प कैशे अपने कंप्यूटर में देखना चाहें तो सिंपल है, आप कीबोर्ड से स्टार्ट आर करें, सीएमडी यानी अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आए अपने विंडोज़ पर, और यहाँ क्या लिख दें, एआरपी डैश, सिंपल एआरपी के बाद आपने स्पेस देना ज़रूरी है, एंड डैश ए लिख के आप इंटर करेंगे, आपको ये बता देगा कौन से कंप्यूटर से, जिन जिन से कंप्यूटर से आपने बात करी है उसमें खुद ब खुद इस कंप्यूटर ने उनका फिजिकल एड्रेस उठा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ आईपीस प्लस उनके फिजिकल एड्रेस यहाँ शो करा रहा है। तो सिंपली हम कंप्यूटर्स में देख सकते हैं कि हमारे मैक एड्रेसेस क्या हैं, और चूंकि ये आर्प कैसे काम कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर्स में बन रहे हो। तो आई होप गाइज आपको एलएलसी लेयर यहाँ तक समझ आती है। तो गाइज रह गए हमारी जस्ट लास्ट यानी पहली फिजिकल लेयर जो कि जस्ट अब हमने पढ़ ली, और ओएसआई मॉडल खत्म करके हम प्रैक्टिकल्स की तरफ मजीद आते हैं।